हेलो गाइस, अपना अपना अटेंडेंस लगा दो यार, चैट बॉक्स में हाय लिखकर। चलिए बेटा, लेट्स बिगिन द क्लास। नमस्कार, दिस इज अभिषेक सर, वेलकम बैक टू द क्लास। मार्जिनल कॉस्टिंग आप लोगों का एग्जाम्स में आ रहा है साहब, एंड आई हैव हर्ड कि बहुत से लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग देखकर ही हालत खराब हो जा रही है। पता नहीं क्या पढ़ा रहे वो लोग, इतना हार्ड लग रहा है। फॉर्मूलाज है फिर भी हार्ड लग रहा है, सिंपल फॉर्मूलाज हैं। तो आइए उस डर को अपने सबसे पहले दूर करें, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग कोई डर का नाम नहीं है बेटा, डर के आगे जीत है। थोड़ा सा आपको फोकस्ड होना है और चीजों को समझना है। क्यों नहीं समझ में आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट शुड बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन। चलिए साहब, फटाफट से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को बेटा, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। नाउ वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्जिनल कॉस्टिंग अपने लोग की कॉस्टिंग का टेक्निक्स में से एक है। कॉस्टिंग के अंदर में टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग होती है सर, ये तो हम लोग जानते हैं टेक्निक्स होती है। फिर आप ये समझे आज तक कि टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग क्यों होती है सर। टेक्निक्स टेक्निक्स होती है, उसमें क्या चीज होती है? नहीं बेटा, टेक्निक्स बेसिकली अगर आप बोलोगे ना तो तीन चीजों के लिए बनाई जाती है। पर्पस होता है उसका, वो पर्पस ही नहीं समझा तो फिर क्या समझा? आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक का तीन पर्पस होता है बेटा। एक होता है कॉस्ट को असर्टेन करना, कॉस्ट का पता लगाना। ये कॉस्ट को पता लगाने के लिए साहब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, ये सारे चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है जो सर्विस इंडस्ट्री का पता लगाती है। और जो मुझे लगता है कि सिंस यू आर स्टडिंग दिस लेवल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, तो आपका CMA 1 चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो वो कवर्ड है, तो वो आपको चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं। तो आप चैप्टर्स का मीनिंग समझिए, वो भी टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है जो हमें कॉस्ट का पता लगाने में मदद करती है। यूनिट कॉस्टिंग हुई, ये सब कॉस्टिंग के असर्टेन करने के अलग अलग तरीके हैं और ये उसका टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है। देन दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन आता है साहब, आप कॉस्ट को जो है साहब प्लानिंग एंड कंट्रोल करना चाहते हैं। पार्डन मी, आज के लिए भाई आज ही मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़नी थी। तो अपना ये जो प्लानिंग और कंट्रोल है साहब, ये दो चैप्टर संभालता है।
एक बार आप इन चीजों को समझ गए ना तो आप लार्जर पिक्चर देख पाओगे। आप अपने लोगों का प्रॉब्लम क्या, अपने लोग जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना अपने उसका लार्जर पिक्चर कभी समझना ही नहीं चाहते। अपने समझते फटाफट सर फॉर्मूला बताओ, उसका सम्स कराओ और हो गया सम, सर एग्जाम में नंबर आ गए। नहीं बेटा, उसका लार्जर प्लानिंग समझो ना, वो चैप्टर बना क्यों है। प्लान और कंट्रोल करने के लिए सब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर बना है। ये आपका सेकेंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग होता है। तो क्या क्या कॉस्टिंग का टेक्निक हो गया बेटा, एक हो गया कॉस्ट को पता लगाना, असर्टेन करना, दूसरा हो गया बेटा अपना प्लानिंग और कंट्रोल करना, और तीसरा होता है साहब अपना डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स जो होती है साहब, उसमें आता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज नो डाउट अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, बट इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग विच हेल्प्स इन द शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। यहां पर प्लानिंग जो करता है वो कर लिया है साहब, अब देख रहा है डिसीजन मेकिंग कैसे करें। मैनेजर्स को रोज बैठ कर ये सोचना पड़ता है कि भैया अपने लोग ये ऑर्डर एक्सेप्ट करें, ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करें। डिसीजन सिर्फ एक चीज का नहीं होता है, ऑर्डर एक्सेप्टेंस नहीं, ऐसे 10-12 चीज होती है। शट डाउन कब करें, बंद करें कि कंटिन्यू करें, एक्सपोर्ट करें कि नहीं करें, ब्रेक इवन कब करें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कब करें। ये हम लोग अभी बताएंगे आपको कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई कहाँ पर होता है, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा हाँ सर, ये तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, तो ये अप्लाई भी तो इतनी सारी जगह पर होगा। तो ढेरों जगह पर अप्लाई होता है साहब, जिसमें आप तो अभी पूरा पढ़ोगे ही नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट बन सकता है, एक चैप्टर नहीं साहब, इतना बड़ा उसका डेप्थ है, इतने वैरायटी ऑफ सम्स उसमें होते हैं। इफ आई से लगभग आपके कोर्स में 20 वैरायटी ऑफ सम्स आप कर लोगे, और हायर लेवल पर तो और वैरायटी ऑफ सम्स रहती है, मतलब इतनी तरह के सम्स होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट होंगे ना तभी तो उतना तरह का सम्स होगा। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द नेटिग्रिटीज ऑफ कॉस्टिंग, कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है सर, हाँ टेक्निक्स है, क्या काम आता है सर, डिसीजन मेकिंग टेक्निक में काम आता है, ठीक है सर। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम लोग सर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं। हाँ सर, सुना है टीचर के द्वारा बोलते हुए कि सीवीपी एनालिसिस पढ़ रहे हैं। सर व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस, सबसे पहले ये तो बता दो बेटा। सीवीपी एनालिसिस जैसा कि नाम है, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड अजम्पशंस होते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग कॉस्टिंग चालू करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग चालू कैसे कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है उसके बदलने के कारण उस प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट, उस प्रोडक्ट के ऊपर कमाने वाला प्रॉफिट, ये दोनों निर्भर करता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट का वॉल्यूम चेंज कर देंगे, यानी आप 1000 पीस बना रहे हैं और आप 2000 बनाने लग जाएंगे, आप 1200 बना रहे हैं आप 1300 बनाने लग जाएंगे, तो भाई ऑब्वियस सा बात है ना, जब क्वांटिटी चेंज करोगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, आप ज्यादा सामान खरीदोगे, ऑब्वियस सा बात है बेचोगे भी ज्यादा, तो आपका कॉस्ट बदल जाएगा, आपकी प्रॉफिट बदल जाएगी और आपका वॉल्यूम बदल जाएगा। हेंस द नेम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। आर वी क्लियर बेटा, यहां तक है सब साथ अपने। सीवीपी एनालिसिस द फुल फॉर्म इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, यानी ये प्रोडक्ट के वॉल्यूम के चेंज होने के कारण रेवेन्यू पर क्या असर पड़ता है, उससे प्रॉफिट पर क्या असर पड़ता है, टोटल कॉस्ट पर क्या असर पड़ता है, उसकी एनालिसिस करके हमको देता है। इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का दूसरा नाम सीवीपी एनालिसिस भी है। नाउ देयर आर सर्टेन अजम्पशंस जिस पर यह चैप्टर बेस्ड है, और ये जैसा मैं कॉस्टिंग में पहले भी आपको बताया हूँ बेटा, कॉस्टिंग एकदम थ्योरी पेपर की तरह चलता है। ये 40% थ्योरी 60% प्रैक्टिकल है, किसी भी जगह ये 30% से नीचे तो थ्योरी होता ही नहीं है। तो आप अगर थ्योरी पे भी इक्वल तवज्जो देंगे तो आपका एग्जाम अपने आप ही बहुत अच्छा जाएगा, एंड यू गेट गुड स्कोर। सबसे बड़ी बात है कॉस्टिंग में, व्हेन यू राइट थ्योरी, आपको कॉस्टिंग में फुल नंबर मिलता है थ्योरी का, क्योंकि यहाँ पे उलझनू लिखना नहीं है, यहाँ पे पन्ने भरने नहीं है। अगर 4 पॉइंट है तो 4 ही लिखना है साहब, 5 है तो 5 लिखना है, बेस्ट पार्ट है ये, तो एकदम लिमिटेड पॉइंट्स है। और थ्योरी समझे बिना जो आदमी कोई भी प्रैक्टिकल पेपर समझता है
वो तो समझ लो साहब मुंह के बल गिरेगा, जैसे आपका पूरा जीवन मैथ्स में बीता बेटा। टीचर आया, मैथ्स में एक फॉर्मूला लिखा, क्यों वो फॉर्मूला है वो बताएगा ही नहीं, क्योंकि या तो उसको नहीं पता है या तुम समझ नहीं पाओगे, कोशिश भी नहीं करेगा, और फॉर्मूला देकर दो सम्स करा के चला जाएगा। जब तक आप उस फॉर्मूला के पीछे का मीनिंग थोड़ा नहीं समझेंगे, आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेमोराइज द स्टेप्स और डिराइवेशन ऑफ द फॉर्मूला, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लार्जर पिक्चर की व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द चैप्टर। क्योंकि जब आप उसके पीछे का चीज समझ जाओगे ना, तब आपको फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब आपको लगेगा हाँ सर ये फॉर्मूला थोड़ी, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे ही तो होता है लाइफ के अंदर में। तो जब आपके अंदर से वो आवाज आएगी ना, तब आपको समझ में आने लगेगा हाँ सर मार्जिनल कॉस्टिंग भी एकदम हमारे लायक सब्जेक्ट, हम संभाल लेंगे इसको। तो चलिए लेट्स हॉप ऑन टू द जर्नी, आ जाइए अपने बोर्ड पर। अजम्पशन वन है चेंजेस इन द लेवल ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू यानी प्रॉफिट भी होता है अल्टीमेटली, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जिसे हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं बेटा। तो जैसा मैंने आपसे बताया, वॉल्यूम के बदलने के कारण कॉस्ट बदलता है। सर या कॉस्ट के बदलने के कारण नहीं बदल सकता है, उल्टा नहीं बोल सकते हो? नहीं बेटा, बिकॉज यहाँ पे आगे का अजम्पशन आप पढ़ोगे कि कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका, और टोटल फिक्स कॉस्ट, ये आपका एक सर्टन एक्सटेंट तक कांस्टेंट होता है सब, ये चेंज नहीं करता है, ये चेंज नहीं करता है, ये काफी हद तक कांस्टेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं चेंज कर नहीं सकता है, चेंज करेगा तो उसके कारण एक असर, अलग असर पड़ेगा, बट द मेन रीजन इज एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम, हम लोग इसमें करते हैं। सेकेंड है बेटा, यहां पर हम लोग टोटल कॉस्ट को दो पार्ट में सेपरेट करके पढ़ते हैं। सर ये तो आप बचपन से जानते हो, एक फिक्स कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, एंड ऑफ कोर्स सेमी वेरिएबल भी होता है, पर उसको हम लोग बाद में लेकर आएंगे, लार्जर पिक्चर हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल। आपको लग रहा है आप ये याद कर रहे हो? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा साहब। सीवीपी वॉल्यूम एनालिसिस है, वॉल्यूम के कारण कॉस्ट पर असर, प्रॉफिट पर असर, लॉजिकल है। कॉस्ट कितने पार्ट में तोड़ा गया सर? दो पार्ट में, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल, एक सेमी वेरिएबल भी होता है। ग्राफिकली द बिहेवियर ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट आर लीनियर। लीनियर का मतलब होता है साहब कि वो एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है आपका रेवेन्यू और कॉस्ट, ऐसा वो बता रहा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन में, दैट इज द लीनियर रिलेशनशिप। लेकिन आप लोग इकोनॉमिक्स में मार्केट चैप्टर के पहले एक कॉस्ट चैप्टर पढ़ते हो, जहां एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो चैप्टर को भी ना एक बार याद करना, मैं नहीं बोलूंगा कि पूरा रिकलेक्ट करना, पर आपको याद आ जाएगा सोचते ही। वहां भी आप देखते हो कि रिलेशनशिप कई बार नॉन लीनियर भी होता है, कई बार टोटल कॉस्ट का या कॉस्ट का डायग्राम आपका इस तरह से पैराबोलिक भी होता है, तो वो भी हो सकता है। बट अगेन द बेसिक अजम्पशन विद विच दिस चैप्टर बिगिंस कि भैया ऑब्वियस सब आते हैं, कुछ चीजों को जब तक आप कॉन्स्टेंट नहीं करोगे आप समझा नहीं पाओगे। कोई भी प्रूफ, कोई भी इकोनॉमिक्स में डायग्राम, कोई भी चीज एक सर्टन बाउंडेड एरिया में होती है, वैसे यहां भी इसकी बाउंड्री है। द टोटल कॉस्ट एंड द टोटल रेवेन्यू आर लीनियर इन नेचर, और वो आउटपुट के हिसाब से बढ़ता है साहब। जितना आउटपुट बढ़ेगा डायरेक्टली प्रपोर्शनल आपका कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो सर हम सेल भी ज्यादा करेंगे, तो इसका मतलब मेरा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सर हमारा आउटपुट बढ़ेगा तो ये जरूरी है क्या सेल बढ़े? बेटा अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे एकदम बेसिक अजम्पशन है कि प्रोडक्शन सेल के बराबर होता है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है और सेल के बराबर है तो इसका मतलब सेल भी इंक्रीज कर रहा है। तो अगेन इसीलिए मैं बार बार बोल पा रहा हूं, इस लॉजिक के कारण बोल पा रहा हूं, इस अजम्पशन के कारण बोल पा रहा हूं कि सर मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, वो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो संग संग बिक जा रहा है और वो सेल होके इनकम कमा रहा है, तो इसलिए सेल प्रॉफिट सब बढ़ रही है प्रोडक्शन के बढ़ने के कारण। सेलिंग प्राइस ये मैं आपको यहां बता ही दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड द टोटल फिक्स कॉस्ट। यहां पर ध्यान देने वाली बात है बेटा, ये दोनों को मैं पर यूनिट बोल रहा हूं लेकिन फिक्स कॉस्ट को मैं टोटल में बोल रहा हूं, तो कृपया कर आप भी ये बात याद रखिएगा जब आप कह रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, नहीं कॉस्टिंग में भी जब भी आप कह रहे हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोलना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होना चाहिए, वो कांस्टेंट है, और आपका टोटल फिक्स कॉस्ट जो होता है सब कांस्टेंट है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कॉस्टिंग में बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में आपने इसको इस नाम से पढ़ा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट,
जिसका मतलब होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो साहब आप ये जानते हो कि ये कांस्टेंट होता है टोटल, लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता जाएगा। इसका भी डायग्राम आपको याद दिला दूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता था, एक बार आप याद करोगे तो याद आ जाएगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट बिकम्स फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे बोलने का तरीका। तो आपको हमेशा बोलना है फिक्स कॉस्ट टोटल कॉन्स्टेंट रहता है, पर यूनिट कभी भी बेटा कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, बिकॉज डायग्राम आप देख सकता है ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है साहब गिरता चला जाएगा। ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर एडेड सब्ट्रैक्टेड कंपेयर्ड विदाउट टेकिंग इन अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है आप ये ना भी समझे हैं तो चल जाएगा। फिनेंशियल मैनेजमेंट बोल के एक पेपर है जो मे भी आपका होगा इस सेमेस्टर में या आगे आएगा, डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग कोर्स में अलग अलग जगह पर होता है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करता है। तो बाकी कोई सब्जेक्ट अकाउंट्स नहीं करता है, कॉस्टिंग नहीं करता है, टैक्सेशन भी नहीं करता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात बहुत स्पेसिफिक जगहों पर होती है, अकाउंट्स में भी एक पर्टिकुलर जगह पर इन्फ्लेशन ये सब में होती है, अदरवाइज नहीं होती है सब। तो वी डू नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी 10 साल में अगर मैं 10,000 कमाऊंगा तो 10,000 इंटू 10 लाख रुपया कमाऊंगा, ऐसे बोलेंगे। पर सही मायने में असल जिंदगी में जो आज मेरा 10,000 है और आज से 10 साल बाद जो मेरा 10,000 कमाई होगा वो 10 साल बाद इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि वो 10,000 में भी आज का परचेजिंग पावर के हिसाब से 8,000 के बराबर हो। आज आपकी पॉकेट मनी जो है साहब आज से 5 साल पहले वाली पॉकेट मनी के मुकाबले अगर सेम रखी जाती तो यू वोंट हैव बीन एबल टू बाय थिंग्स हैव बिकम एक्सपेंसिव। तो इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं कॉस्टिंग में। ओनली वन प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड फॉर द एंटायर एनालिसिस। अगेन याद रखिएगा ये सारी बातें जगह जगह पे बदलेंगे और जब बदलेंगे तब उससे डिसीजन मेकिंग बदल जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कुछ बातें याद रखनी है, क्या क्या बेटा। एक, यहाँ पे वॉल्यूम के चेंजेस के कारण हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉस्ट पर प्रॉफिट पर क्या असर पड़ा। कॉस्ट पर यूनिट यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट को दो पार्ट में बांटा जाता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड हमेशा टोटल में बोलते हैं, वेरिएबल हमेशा पर यूनिट बोलना प्रेफर करना चाहिए। टोटल फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टेंट हियर। तीन चीजें यहाँ कॉन्स्टेंट मानी जाती है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बोलिए बेटा मेरे साथ बोलिए, जब तक आप वहां बैठकर स्क्रीन के उस पार पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपको लगेगा ही नहीं आप हमारे साथ हैं। वो फील आपको लाने के लिए यू हैव टू पार्टिसिपेट फ्रॉम वेयर एवर यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो और ऑडियो, आपको आपको बोलना पड़ेगा साथ में। अगेन मन में बोलिए, आपको अगर बोलने में हिचक होता है हम तो बोल ही रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है कॉन्स्टेंट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कॉन्स्टेंट होता है और फिक्स कॉस्ट टोटल में कॉन्स्टेंट होता है। और बाकी वर्ड अभी दरकार नहीं, एक प्रोडक्ट बना रहे ये बोलने से भी काम आपका हो जाएगा। ये 2 से 3 नंबर का एग्जाम में थ्योरी आता ही आता है बहुत बार, तो यूनिट टेस्ट में आए चाहे मेन एग्जाम में आए CIA में आए वो ध्यान रखिएगा। आपको याद ही हो गया अभी मैंने करा दिया साहब क्या क्या बोला, कॉस्ट का और प्रॉफिट का असर वॉल्यूम से होता है, वॉल्यूम के चेंज होने के कारण। कॉस्ट दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल। पर यूनिट कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, कौन सा वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल में कॉन्स्टेंट रहता है। उसके बाद हम लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने की यहाँ पे बात कर रहे हैं और रिलेशनशिप जो है लीनियर रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब इसका लीनियर का एक और दूसरा तरीका भी बोल सकते हैं। इन सम बुक्स इट इज रिटन लाइक दिस या एक्सप्लेन्ड कि भैया डिस्काउंट नहीं है, 1 किलो खरीदोगे तो भी वही दाम है, 1,000 किलो खरीदोगे तो भी वही दाम है, पर रियल लाइफ में साहब 1 किलो 1,000 किलो अगर बन जाता है तो होलसेल में डिस्काउंट अपने आप ही आ जाता है। तो यहाँ पे अगेन एक अजम्पशन है, देयर इज नो डिस्काउंट इन द परचेज प्राइस। सो नो मैटर व्हाट एवर बी द प्राइस, आप अगर एक पीस के लिए बता दिए हो सबने तो 1 लाख बोलो 1,000 बोलो, जब तक आप नहीं बोलोगे मैं मान के चलूंगा मेरा कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कॉन्स्टेंट है। सर इतनी देर से आप खाली इतना ही बता पाए हो, हमारे क्लास में तो इतनी देर में 2-4 फॉर्मूला और सम्स हो गए, यही प्रॉब्लम है। मार्जिनल की पहली क्लास अल्ट्रा स्लो लेकर जाइए हमेशा, किसी भी चैप्टर की पहली क्लास, क्योंकि आज इस चैप्टर का जन्म हो रहा है, जन्म धीरे धीरे होना चाहिए सब। इट टेक्स टाइम, 9 months टू इवन टू अ चाइल्ड टू गेट फेमिलियर टू द वर्ल्ड, वो शेप में आने के लिए उसके बाद वो बोर्न होता है। कोई भी पर्सन का प्रोडक्शन एक सर्टन टाइम पीरियड पर होता है, उसी तरह एक चैप्टर का जन्म हो रहा है बेटा। तो उसमें अगर वो लेंथ, वो एनर्जी, वो इन डेप्थ नॉलेज मैं आपको नहीं दूंगा, आपको मजा नहीं आएगा,
और एक बार समझने में मजा आ गया ना, तो आप फॉर्मूला इसके बाद मेरे से नहीं सीखोगे, फॉर्मूला आप खुद निकालोगे कि हाँ ये तो फॉर्मूला थोड़ी है सर, ये तो लॉजिकल है। आगे साहब, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई कहाँ कहाँ पर होता है, इस पर हम लोग बाद में वापस कभी आएंगे। मैंने सिर्फ आपको भी बता दिया मार्जिनल कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में अप्लाई होता है सर। सर लॉन्ग टर्म में नहीं होता है? नहीं बेटा, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, जहां कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, वो अलग सब्जेक्ट में डील होता है, वो यहाँ पे डील नहीं होता है साहब। यहाँ पे हम लोग प्राइस फिक्स कैसे करते हैं, खाली एक आइडिया लेने बोल रहा हूँ, रटना नहीं इस पार्ट को, इसको सुनना है सर। प्राइस फिक्स करने के लिए इसको यूज करते हैं, ये डिसीजन है। हम लोग खरीदें, बाय करें या बनाएं, मेक और बाय, इसका डिसीजन होता है। हम एक्सपैंड करें या कॉन्ट्रैक्ट करें, उसका डिसीजन होता है। हम मशीन को रिप्लेस करें या मशीन को रख लें, शट डाउन करें कि कंटिन्यू करें, इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें, ये सारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर में आता है। आज बच्चे बड़े कंजूस है भाई, ना कोई हाय, ना कोई दुआ, ना कोई सलाम। चलिए कोई बात नहीं, तो साहब जैसा मैंने आपसे कहा, कॉस्ट हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। इसी पर सारा फॉर्मूला आगे का तैयार होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मूलास। ये फॉर्मूला पेज है बेटा, ना जितना हो सके फॉर्मूला अपने हाथों से लिखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना हो सके। यहाँ पर हम लोग बाद में आते हैं, इस पेज को मैं अगेन यहाँ से हटा देता हूँ पहले। ये फॉर्मूलाज आपको खुद अपने हाथों से समझना चाहिए कि फॉर्मूलाज नहीं होते हैं साहब, मीनिंग होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट बनता है, जिसे आप पीएल बोलते हो, इनकम स्टेटमेंट बनता है। मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट साहब इस तरह बनता है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग वाला वेरिएबल कॉस्ट भी आता है, इवन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला वेरिएबल कॉस्ट भी आता है, और इससे अपने लोगों का एक वर्ड आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। सर ये कंट्रीब्यूशन तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हो गया? नहीं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट जैसा लग रहा है तुमको, ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हो गया, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में फैक्ट्री के सारे कॉस्ट आते हैं, फिक्स्ड वाले भी, या फिक्स्ड नहीं है। फिक्स कॉस्ट इसके बाद लेस होता है साहब, लेस फिक्स कॉस्ट, और इसको माइनस करने के बाद इसे आप नेट इनकम, प्रॉफिट, ईबीआईटी जो चाहे बोल सकते हैं साहब। तो सबसे पहले अपने दिमाग में इतना सा फॉर्मेट सेटल कर लो कि यहां पर ये फिक्स कॉस्ट में आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला फिक्स कॉस्ट हो, चाहे सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन वाला फिक्स कॉस्ट हो, ये सारे फिक्स कॉस्ट नीचे चले जाते हैं, बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग, क्योंकि हम यहाँ डिसीजन मेकिंग के लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को तवज्जो देते हैं, फिक्स कॉस्ट को हम लोग पीरियड कॉस्ट मानते हैं। एक नया टर्म दे रहा हूँ बेटा, एक होता है प्रोडक्ट कॉस्ट और एक होता है पीरियड कॉस्ट। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जाता है। आर वी क्लियर बेटा? यहां तक साथ है, कोई डाउट किसी को नहीं है? तो आपका मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या है सर? इकोनॉमिक्स से उठा लो, मार्जिनल वर्ड का मतलब है एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे तो मेरा कॉस्ट कितना से चेंज होगा, द चेंज इन द टोटल कॉस्ट, द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन वन यूनिट इज सिंपली नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। बट वॉट इज मार्जिनल कॉस्टिंग? Marginal costing is the application of the knowledge of variable costing for the decision making process. जैसे आप उसको cost बोलते हो, वो cost रहता है, costing बोलते हो तो वो technique बन जाता है, वो process बन जाता है, जिसको आप apply करके एक product का
डिसीजन मेकिंग करती हूँ। क्या चीज में डिसाइड करते हो? मैंने आपको बताया बेटा यही सारी चीजें हैं, डिसीजन मेकिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेक बाय, रिप्लेस नॉट रिप्लेस, शट डाउन कंटिन्यू, ये सारा डिसीजन मेकिंग टेक्निक। तो फर्स्ट दिमाग में छोटी सी बात को सेट कर लो, सेल प्राइस, और धीरे धीरे वर्ड शॉर्ट कर लो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट या नेट इनकम। एक एक लेटर से डिनोट कर लो, जैसे आप ये समझ जाओगे ना, आप आगे का पूरा फॉर्मूला समझ जाओगे, बिकॉज जितने भी आगे फॉर्मूलाज है वो इसी एक चार्ट से निकल कर आए। मजे की बात यही है कि देर आर नो फॉर्मूलाज इन द वर्ल्ड, देर आर ओनली लॉजिक्स विच हैज कम फ्रॉम दिस टेबल इटसेल्फ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आप कर रहे हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, तो इससे साहब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला तैयार हो गया। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सर एक बात बताओ, इसको कॉन्ट्रीब्यूशन ही क्यों बोलते हैं? उसका भी बहुत सिंपल जवाब है मेरे पास आपके लिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं, इसका नाम इसलिए है बिकॉज द लिटरल मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज वॉट, चंदा जैसे अपने देते हैं तो अपने बोलते हैं ना अपने कॉन्ट्रीब्यूट कर दो भाई बिल्डिंग का या सोसाइटी का, कि अपने एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं दुर्गा पूजा का या दिवाली का या सरस्वती पूजा का, तो प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग। तो यहां पे भी ये वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद जो मेरे पास बचा ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इट विल हेल्प अस टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट, एंड अगर ये रिकवर हो गया देन वी विल अर्न प्रॉफिट। एक बार ये बोलकर समझ कर देखो बेटा कितना मजा आएगा, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी साहब कि द मोमेंट आई डिडक्ट माय वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से, तो मेरे पास जो रुपया बचा मुनाफा उसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है पहले फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में, और अगर फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए वल्ला वल्ला तब हमें प्रॉफिट आती है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज द बैलेंस अमाउंट ऑफ सेल्स After deduction of variable cost, sales after variable cost, which is used to recover fixed cost and then provide profit. इसी को फॉर्मूला बोल रहे हो? मेरे को तो लगता है फॉर्मूला होता ही नहीं दुनिया में, लॉजिक होता है। तो देखो साहब, अगर आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है तो फिर इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या चीज में हेल्प कर रहा है? एक, वो हेल्प कर रहा है फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में, प्लस पी से प्रॉफिट, एफ से फिक्स कॉस्ट, पी से प्रॉफिट। ये पाई का सिंबल फास्ट होता है क्लास नोट्स के लिए, प्रॉफिट के लिए बेटा। तो इसका मतलब क्या आपकी क्लास में ऐसे नहीं पढ़ाया गया बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगेन सोच कर देखिए, फॉर्मूला होता ही नहीं है, फॉर्मूला लॉजिक्स होता है। यही एफ इस पार आ जाएगा तो सी माइनस एफ और प्रॉफिट बच जाएगा। तो अब मैं इस पूरे इक्वेशन को, अगर आपको बोलू पूरे इक्वेशन को लिखो तो साइड में देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपने आप में कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्प करता है फिक्स कॉस्ट को कमाने में और बाकी बचा तो प्रॉफिट को बचाने में। इसी इक्वेशन को अगर मैं रीराइट करूं तो मैं ये बोल सकता हूं एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस पी। दुनिया का सारा सम्स इस अकेले इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, सारा फॉर्मूला इसी से बना है बेटा। तो याद रखिएगा, फॉर्मूला है ही नहीं, सिर्फ ये एक इक्वेशन है। मे बी आपने ब्रेक इवन पढ़ा होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ा होगा, पर मैं आपको प्रूफ कर दूंगा वो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सारे अकेले इस इक्वेशन से निकल कर आए हैं बेटा, सिर्फ अकेले सर इस इक्वेशन से, बिलीव मी इस इक्वेशन से निकल कर आए, एक भी चीज और कहीं से नहीं आई है। और अगर मैं इसको और रीराइट करूं तीसरे ढंग से, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को भी इधर ले आऊं, तो ये बन जाएगा प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो आपको पूरे चैप्टर में साहब इसी इक्वेशन को लेकर चलना है साहब, मे बी इन दिस मैनर, मे बी इन दिस मैनर और दिस मैनर, समटाइम्स हाफ ईयर हाफ ईयर, बट ओवरऑल अगर आप एक बार समझा लो, नहीं सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसके बाद इधर लिखो उधर लिखो क्या फर्क पड़ता है साहब। तो एक बार अपने शुभातों से ये समझ जाना, लिख लेना, देखो कितना आपको कंफर्ट जोन आ जाएगा इस बात को लेकर। ठीक है साहब, आज बच्चे बड़े मौन मौन से हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं।
सेकेंड आता है बेटा पीवी रेशियो फॉर्मूला। पीवी रेशियो अगर हम फुल फॉर्म में बोलें तो ये कहलाता है पी से प्रॉफिट और वी से वॉल्यूम, तो हेंस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सर चैप्टर का नाम ही है सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट का वॉल्यूम के साथ रिलेशन बताता है, वॉल्यूम बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा। पीवी रेशियो को कई लोग सी बाई एस रेशियो भी बोलते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला ही साहब है सी बाई एस इंटू 100। सी मतलब क्या था बेटा, ऊपर देखो कॉन्ट्रीब्यूशन, एस मतलब सेल्स, तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100। इसको हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं साहब, एक तरीका ये ऐसे लिख सकते हैं, एक बोल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। तो सर फिर ये क्या था, अगेन ये बात अभी से क्लियर कर लो, जब मैं आपसे बोलता हूं सेल्स तो मैं हमेशा मीन करता हूं टोटल सेल्स, जब मैं बोलता हूं कॉस्ट तो मैं मीन करता हूं टोटल कॉस्ट, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो रेस्पेक्टिवली। मैं जब पर यूनिट बोलना होगा तो आई हैव टू ऐड दिस टर्म, अंटिल एंड अनलेस आई ऐड दिस टर्म, ऐसे 4 रुपया पर यूनिट, तब तक समझना बेटा वो पर यूनिट नहीं, मैं टोटल की बात कर रहा हूं। इसलिए सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन, यू डोंट हैव टू राइट द वर्ड टोटल सेल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन योर ओन सेट ऑफ माइंड कि भैया बोला कैसे जाता है। तो पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100। इसको बहुत हद तक अगर आप लिंक करोगे ना साहब तो ये जीपी रेशियो का फॉर्मूला से एकदम मैच करता है। जीपी रेशियो था जीपी बाई सेल्स इंटू 100, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100 इज इन द लाइन ऑफ थॉट ऑफ दैट। तो पीवी रेशियो का ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसमें और भी बहुत फॉर्मूलाज हैं पर मैं अभी आपको सिर्फ दो ही बोलूंगा क्योंकि आप पहले धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट करो, क्योंकि फॉर्मूलाज होता ही नहीं है, लॉजिक होते हैं, और द मोमेंट आप उस लॉजिक को समझ जाते हैं आपको समझ में आने लग जाएगा कि फिर साहब रटना नहीं है समझना है। अब इसी को रीराइट करना सीखो। अगर मैंने यहां बोला पीवी रेशियो इज सी बाई एस, तो इस एस को अगर मैं दोबारा लिखता हूं आपके लिए, इस एस को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो, आप ही बताओ क्या बन जाएगा। भाई फॉर्मूला नहीं होता है, एकदम सिंपल लॉजिक होता है। उसी तरह अगर मैं पर यूनिट बोल रहा हूं, यानी अगर मैं सेल्स को पर यूनिट में कन्वर्ट कर दूं और तब उसे पीवी रेशियो से इंटू करूं, तो सिंपल है कॉन्ट्रीब्यूशन भी पर यूनिट बन जाएगा। तो बार बार एक बात बोलूंगा, पर यूनिट वर्ड बोलना पड़ता है, टोटल बाई डिफॉल्ट होता है। इफ आई से ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन आई ऑलवेज मीन्स टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आप कसम पर यूनिट भी डेटा दे सकता है, आप कसम टोटल भी दे सकता है। इज इट क्लियर। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100। सर थोड़ा सा डेटा से समझाओ तो जरा। ओके, समझो मेरा 1 यूनिट का डेटा है 10 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास 6 रुपया और कॉन्ट्रीब्यूशन है 4 रुपया। अगर मैं 1000 पीस बेच रहा हूं तो साहब 1000 × 10 ये बन गया 10,000, 1000 × 6 6,000 और 1000 × 4 4,000, या 10,000 − 6,000 करूं वर्टिकली डाउन या मल्टीप्लीकेशन 4,000 आएगा। अब ये दोनों सेम चीज बता रहा है बेटा, देखो कैसे। पीवी रेशियो अगर मैं एक पीस से निकालूं तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100, इंटू 100 बाई डिफॉल्ट है बेटा, बोलना नहीं पड़ता है, 4/10, तो ये 40% हो गया साहब। डेसिमल में बोल सकते हो, परसेंटेज में बोल सकते हो, अगर फिगर अच्छा आ रहा है तो परसेंट में प्रेफर करते हैं, वरना याद रखिएगा वेदर यू से इन डेसिमल और परसेंटेज इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। इंटू 100 किया तो परसेंटेज, नहीं किया तो डेसिमल। यही चीज मैं आपको अब दिखाता हूं पीवी रेशियो टोटल मेथड से अगर मैं करता तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 4,000, टोटल सेल्स 10,000, ये वापस से वही बेटा 40% आ रहा है, कहां से अलग आएगा। तो पहले समझ लो बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स पर यूनिट से पीवी रेशियो निकालू या टोटल से निकालू, रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो रेशियो 40% ही मैं कमा रहा हूं। अब इसी को मैं रीराइट करके दिखाता हूं बेटा, मेरा सेल प्राइस पर यूनिट
को अगर मैं पीवी रेशियो से इंटू करूं, सोचो सेलिंग प्राइस को मैं पीवी रेशियो से इंटू करूं, फॉर्मूला मत रटना बेटा, जितना समझ के चलोगे उतना इजी रहेगा। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा सर? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो 10 रुपया सेलिंग प्राइस, पीवी रेशियो 40%, 10 इंटू 4 4 रुपया 40%, ये देखो 4 रुपया आ गया। अब इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैं टोटल में करके दिखाऊं तो मेरा टोटल सेल्स है 10,000 रुपया, मेरा पीवी रेशियो है 40%, तो मेरा कंट्रीब्यूशन टोटल में हो गया 4,000 रुपया। और देखो और कितना सिंपल सिंपल तरीका है, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाता है टोटल कंट्रीब्यूशन। मैं टोटल लिखने के सख्त खिलाफ हूं बेटा, इसलिए मेरे से उम्मीद मत करिएगा मैं आगे जाके लिखूंगा, मैं धीरे धीरे एक ही बात मेंटेन करूंगा। इफ आई एम नॉट सेइंग टोटल, इट इज टोटल। इफ आई एम सेइंग पर यूनिट, देन ओनली इट इज पर यूनिट। तो एक पीस का कॉन्ट्रीब्यूशन 4 रुपया, क्वांटिटी सोल्ड, ये क्यू मतलब क्यूएस है बेटा, क्वांटिटी सोल्ड, क्योंकि इस चैप्टर का अजम्पशन है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड अनलेस सेड अदरवाइज। याद रखिएगा एक्सेप्शंस मे बी देयर बट एक्सेप्शंस आर नॉट द मेन चैप्टर। व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ सम द मेन चैप्टर ऑलवेज रिमेन्स द प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स। तो मेरा 1000 पीस का सम्स था ये, 1000 पीस 4 × 1000 4000, ये देखो इसका मतलब सर आप ये फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला बनाओ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को अगर मैं क्वांटिटी से इंटू करता हूं तो वो सेल्स या टोटल सेल्स बन जाता है। हर एक चीज का पर यूनिट को मैं क्वांटिटी से अगर इंटू करता हूं तो वो उस चीज का टोटल दे देता है। तो इसलिए अब अलग अलग मत याद करके एक लाइन बोलो, किसी भी चीज का बोलना पड़ेगा बेटा, बिना बोले कैसे होगा। किसी भी चीज का पर यूनिट डेटा अगर उसके टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाए, क्वांटिटी सोल्ड से, तो वो उसका टोटल वैल्यू दे देता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू क्यूएस इज टोटल कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड इज इक्वल टू टोटल सेल्स। पर फिक्स कॉस्ट तो साहब एक्सप्रेस ही टोटल में होता है, पर यूनिट पे एक्सप्रेस बहुत बहुत रेयर केस में होता है, अगेन वो एक्सेप्शन है, अपने मेन सम में कभी ये सब नहीं बोलेंगे। तो देखो ये पूरा पन्ना एक ही बात को लेकर चल रहा है कि भैया हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट, एस माइनस वी इज कॉन्ट्रीब्यूशन, बोलते समय फुल बोलो तो ज्यादा अच्छा है। कॉन्ट्रीब्यूशन इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिक्स कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस होकर अगर कुछ बचता है तो प्रॉफिट होता है, और अगर नेगेटिव है तो स्वाभाविक है लॉस होगा। अभी हम लोग जा रहे उस ओर हम लोग अभी जा रहे हैं। पीवी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स रेशियो होता है, नाम ही उसका सी बाई एस रेशियो है, फॉर्मूला भी वही है सी बाई एस इंटू 100। टोटल कंट्रीब्यूशन बाय टोटल सेल्स भी बोल सकता हूं, पर यूनिट लूंगा तो ऊपर भी पर यूनिट नीचे भी पर यूनिट। याद रखना एक लाइन है पढ़ाई के लिए, कंपैरिजन हमेशा बराबरी में होता है, तो जब भी आप पढ़ाई की दुनिया में हो तो ये लाइन आप इस्तेमाल करना। 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर से ऐड हो सकता है, 2 किलोमीटर से ऐड हो सकता है, 2 लीटर के साथ ऐड नहीं हो सकता। एक मिनट You cannot add 4 किलोमीटर, ये सब तो इतना बेसिक है, और आपको 4 लीटर प्लस करने बोल दे तो ये क्लास 4 का बच्चा ही बता देगा सर ये ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि लीटर एक अलग यूनिट है, किलोमीटर एक अलग यूनिट है। उसीलिए जब ये पर यूनिट होगा तो ये भी पर यूनिट होगा, जब ये टोटल होगा तो ये भी टोटल होगा। आगे चले बेटा, एक्सक्यूज मी, सो डेटा वही रख रहा हूँ साहब, कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट मेरे पास 1000 रुपया है, तो मेरा प्रॉफिट आ गया, नेट इनकम आ गया 3000 रुपया।
इक्वेशन एस माइनस वी सी सी इज इक्वल टू एफ प्लस प्रॉफिट, या एफ माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ गया। तो आप यहां पे देख रहे हो फिक्स कॉस्ट टोटल में दिया हुआ है, ये पर यूनिट में बोलने की दरकार नहीं होती है। तो दुनिया का सारा सम्स इसी अकेले टेबल पर चलेगा, सारा मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ अकेला इसी इक्वेशन पर चलेगा, और पूरे मार्जिनल कॉस्टिंग में पीवी रेशियो के बिना समझ लो आपका गुजारा नहीं है। अगर आप ये दो चीज समझा लिया तो इसके बाद आने वाला सारा फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक्स है। सारा फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं है, वो लॉजिक है। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है मैं प्रूफ करता जाऊंगा। इसके बाद आपकी थ्योरी आती है, नेक्स्ट हेडिंग आता है ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ सर, ये नाम सुना हुआ है, याद आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब भाई जहां पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, उस सिचुएशन को ब्रेक इवन बोलते हैं। सर कोई और तरीका? हाँ बेटा, एक और तरीका है, जब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा तब मेरा प्रॉफिट और लॉस नहीं हो सकता है। कैसे बेटा? अगर ये 4000 होगा और ये एग्जैक्टली 4000 होगा, ये दोनों इक्वल होगा, तभी ना प्रॉफिट जीरो आएगा। तो हेंस नो प्रॉफिट नो लॉस बोलने का एक तरीका, उसी को बोलने का दूसरा तरीका। जब भी बोलो हर तरीके से समझ के बोलोगे ना तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको क्या लगेगा, अरे सर 10 तो फॉर्मूला आ गया। बेटा मेरे हिसाब से एक भी फॉर्मूला नहीं आया अभी तक, तो आप 10 की बात करते हो। नो प्रॉफिट नो लॉस इज ब्रेक इवन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब हम लोग अगर देखें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो वादा किया है साहब वो निभाना पड़ेगा और मैं अपने वादे का पक्का हूं, ये कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ सर पता, अभी तो आप बताए हो। और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर? वो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट होता है। ये भी सर क्लियर है एकदम? हाँ क्लियर है, आप बोल रहे हो सर। तो इसका मतलब हम लोग इसको अगर रीराइट करके बीच में से सी को हटा दें तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा? हाँ सर ऐसा हो जाएगा। दो दो इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू एक ही रखते हैं। अब सर आप बोल रहे हो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब ये वाला फिगर निल। हाँ सर, तो ये बन गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं सर, ओके आगे चलें। इसको यहां कंटिन्यू करता हूं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। हाँ सर यहां पहुंच गए, अरे वाह ये तो सब ठीक है। अच्छा, जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं वो सारा फिगर कौन सा बेटा? वापस से वही दोहराऊंगा, टोटल 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 टोटल, ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसको मैं अगर पर यूनिट के फॉर्म में लिखूं तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू क्वांटिटी सोल्ड हो सकता है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। बताया था बेटा, अब भी बताया था, ऐसे मत बोले यार, अब भी बताया था, किसी भी चीज का पर यूनिट डेटा अगर उसके क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाइड हो रहा है तो वो टोटल दे देगा। क्वांटिटी सोल्ड इस चैप्टर में प्रोड्यूस्ड होता है बिकॉज द अजम्पशन इज देयर ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड। बताइए इतनी डेप्थ में आपको कभी किसी ने बताया है? भाई बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बताने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा और थोड़ा सा उनका खुद का हौसला होना चाहिए एक्सप्लेन करने का। अब देखो इसी को मैंने रीराइट किया, मैंने एक भी चीज ऐड नहीं की, यहां पे फिक्स कॉस्ट बचा और क्वांटिटी वर्ड को बचे मैं इधर ही रख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में चला गया ये फॉर्मूला। अब बताओ यही ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपको रटाया गया है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कहाँ फॉर्मूला है बेटा, कहाँ फॉर्मूला है? लॉजिक है, फॉर्मूला तो दुनिया में होता ही नहीं है। आप लोग अब ये पूरा जर्नी नहीं भी लिख रहे हो मत लिखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रॉब्लम है कि आप समझ जाओ कि यार फॉर्मूला नहीं है, एक ही इक्वेशन से सारा चीज आ रहा है। व्हेंस ब्रेक इवन पॉइंट, अब आप ऐसे लिखना अगर लिख रहे हो तो, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ब्रैकेट में इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स आप बोल रहे हो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कोई और भी तरीके से निकलता है? हाँ बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट ये मान लेते ए है तो ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में भी निकलता है, इसको तीन तरीके से बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू को ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस या ब्रेक इवन सेल्स बोलते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली ब्रेक इवन सेल्स बोलूं तो मुझे रुपया बोलने का दरकार नहीं है, सेल्स मींस इन टर्म्स ऑफ रुपीस, सेल्स मींस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो जब मेरा
फॉर्मूला ब्रेक इवन सेल्स का होगा, तो अगेन इसी इक्वेशन को, इसी सेम इक्वेशन को यूज करना है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बदले पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बदले पीवी रेशियो, ये आपका आ जाएगा साहब ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला। अगेन मैं प्रूफ करूंगा आपको सारी चीजें, डोंट वरी। अपना इक्वेशन ये चल रहा था बेटा, इसी सेम डेटा को लेकर चल रहा हूं, ये डेटा नहीं छेड़ रहा हूं अभी मैं, मेरा ओरिजिनल समझाते समय फिक्स कॉस्ट 1000 था, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा दोनों टर्म में निकालिएगा बेटा, क्वेश्चन में पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो, दे समटाइम्स आर वेरी एक्सप्लिसिट कि फाइंड बोथ, दे समटाइम्स आर वेरी केयरलेस, दे जस्ट से फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, तो प्लीज ऑलवेज फाइंड बोथ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड वैल्यू। तो साहब फिक्स कॉस्ट अपने लोगों का 1000 रुपया बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपया, यानी अगर मैं 250 यूनिट्स बेचूंगा तो मैं ब्रेक इवन कर जाऊंगा। आओ इस बात को प्रूफ करते हैं, अगर मैं 250 यूनिट्स बेच रहा हूं तो 250 × 10, थोड़ा पार्टिसिपेट करो बेटा, 250 × 10 एक जीरो बढ़ा दो, 250 × 6 कितना 1500 होगा ना, 250 × 6 तो कंट्रीब्यूशन आ गया 1000, लेस फिक्स कॉस्ट 1000, प्रॉफिट 0। डेफिनेशन याद करो, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, या जहां पे कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, उस जगह को बोलते हैं फिक्स कॉस्ट के बराबर वाली जगह को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और ये रहा साहब प्रूफ कि ये मेरा 0 आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहा है और 250 यूनिट प्रूफ है, फॉर्मूला से आ रहा है। तो अब आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बार बार अब आप ये प्रूफ नहीं करोगे, आप अपने आप को समझा लोगे नहीं यार ये तो प्रूफ है, समझ में आया हुआ बात है सारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। द मीनिंग, अगेन द मीनिंग, मैं ब्रेक इवन तब करूंगा जब मैं फिक्स कॉस्ट को पूरी तरह रिकवर कर लूंगा। तो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ता है, तो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए रिकवरी रेट से डिवाइड करना है। अब इसको मैं ब्रेक इवन सेल्स में कन्वर्ट करता हूं, ब्रेक इवन सेल्स मतलब हो गया साहब इन वैल्यू, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो एज द डेटा इज सेम, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है समझाने के लिए, 1000 रुपया सेम है और 40% बेटा पीवी रेशियो अपना आया था, 40% 4 का 10, 40% था पीवी रेशियो, 1000 बाई 40% आप करेंगे तो 2500 आएगा शायद, 1000 बाई 40% 2500 आएगा। तो आइए सब प्रूफ कर देता हूँ, ये रहा ब्रेक इवन सेल्स 2500 रुपया, ये रहा ब्रेक इवन सेल्स 2500 रुपया, ये चार्ट से प्रूफ हुआ, पर इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है ना साहब, तो अगेन आपको प्रूफ एक बार करना है। इसका मतलब है कि जब मैं 2500 का सामान बेचूंगा, जब मैं 250 पीस बेचूंगा तो मैं अपने आप ही ब्रेक इवन करूंगा। अब कई बच्चे जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है वो अब तक तो सोच भी चुके होंगे, सर देखो आप इतना फॉर्मूला बना रहे हो, हम एक बनाते हैं, ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू होता है यस, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में होता है यस, अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से सीधा इनटू कर दें तो 250 पीस, हर बात प्रूफ कर रहा हूं बेटा समझो, एक एक पीस का सेलिंग प्राइस 10, तो सर 2500 आ जाएगा, कितना इजी रहेगा। हाँ बेटा ये इजी रहेगा पर मार्क्स में अंडा 0 मिलेगा, ऐसा कर मत देना, ऐसा कर मत देना, अकर्मण्य वाधिकारस्ते, अगर आप बिना मेहनत के नंबर पाना चाहते हैं बेटा तो भूल जाइए, वो तो इस जन्म में मिलने वाला नहीं है, फोकटिया नंबर किसी को नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है, फ्लूक में हो सकता है आपको कभी मिला हो बट वो डिजर्व आप नहीं करते हो, आगे पीछे निकल जाएगा। तो ये समझने का तरीका है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसको यूज मत करना, इसको चेकिंग के लिए यूज करना, इसको आप पर्सनल चेकिंग के लिए यूज करो,
यानी फटाफट अगर आप चेक करना चाहते हो, अच्छा 250 × 10 2500, ये 2500 आ रहा, हाँ अरे वाह, मतलब ये ऐसे चेक हो गया एक सेकंड के अंदर में, ये कर सकते हो। बट आप ये वाला यूज करके अगर आंसर देकर आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स के लिए तो आपको जो मैं अल्टीमेटली फॉर्मूला बोलूंगा, ये फॉर्मूला है साहब, इसी को यूज करना है, तो यू हैव टू अबाइड बाय इट। अबाइड बाय इट, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक आप फॉर्मूला बांध के नहीं चलेंगे तब तक आप सम्स कर नहीं पाएंगे। तो बच्चों यहां तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन किसी का? मैं वेट करता हूं। नहीं बच्चे, क्लियर है? ठीक, तो आओ फॉर्मूला पेज में, थर्ड फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन रेशियो या पीवी रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं, फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम इस कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। और साहब मैंने पर यूनिट वाला भी आपको बता दिया, और भी मैं आपको दो तीन तरीका बताऊंगा थोड़ी देर बाद, सब कुछ एक साथ नहीं बताऊंगा साहब, अभी इतना ही पढ़ना। ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को मैं प्रूफ कर देता हूं, तब मैं यहां पर आता हूं साहब। अब देखो, अगर मैं 10 रुपया में 6 रुपया वेरिएबल कॉस्ट ले रहा हूं तभी ना मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो 4/10 40% हुआ, यानी कंट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटिंग 40% ऑफ सेल्स। सेल्स भी 100%, अगर सेल्स 100 है तो ये 40% है, तो कॉमन सेंस 100 माइनस 40 मेरा वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स हो जाएगा। अब तुम इसको फॉर्मूला बोलते हो, मुझे तो लॉजिक लगता है साहब कि भाई 6/10 60% होता है, 6/10 60% होता है, तो यानी अगर मेरे को बोल दे सेल्स का फिगर और उसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। तो अगर ये 100% है और ये 40% है तो ये स्वाभाविक है कि वेरिएबल को 60% होगा। तो ये आपको कभी कभी डायरेक्ट यूज करने के काम आता है। कैसे आता है, समझो उसने आपको दे दिया सेल्स 50,000 और वेरिएबल कॉस्ट दे दिया 75% ऑफ सेल्स। वो ऑफ सेल्स भी नहीं लिखेगा बेटा, ज्यादातर वो सिर्फ 75% बोलेगा, क्योंकि आपको समझना है कि इफ नथिंग इज मेंशनड वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज एंड पीवी रेशियो परसेंटेज आर ऑन सेल्स, ये लाइन आपको लिखकर रख लेनी चाहिए। ये अजम्पशन है साहब, ये कॉमन सेंस है, एक्चुअली अजम्पशंस तो क्या बोलूंगा मैं, कॉमन सेंस बोलूंगा कि भाई इसके बिना तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। अब देखो 50,000 सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट इसका 75% है यानी 37,500, तो मेरा इसका साहब 12,500 अमाउंट में कंट्रीब्यूशन आ गया। और परसेंटेज में मैं सीधा यहां से देखूंगा भाई ये 75 है, अच्छा तो निकालना ही नहीं है, 25% पीवी रेशियो है, आप प्रूफ कर देते हैं पीवी रेशियो इस कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स 12,500 × 50,000 × 100 करोगे तो साहब 25% आएगा। फॉर्मूला दुनिया में होता ही नहीं है, लॉजिक होती है, लॉजिक समझो एंड यू विल विन द सिचुएशन। So I hope we are clear on this, beta. This is sales minus variable cost equation हो गया, PV ratio का formula हो गया, break even point in units or in value हो गया अपना। आइए छोटा सा sums देके पहले question number 2, the marginal cost is 2400 रुपया। सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है तो बताया नहीं, अरे बताया ना बेटा, मार्जिनल कॉस्ट में मार्जिनल वर्ड का मतलब है वेरिएबल, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया वेरिएबल कॉस्ट। तो प्लीज 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 ऐसा मत बोलना, मार्जिनल वर्ड का मतलब ही इस पूरे चैप्टर में वेरिएबल है, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लेंगे।
पर सर डेफिनेशन वाइज तो मार्जिनल कॉस्ट इकोनॉमिक्स में होता है द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन यूनिट, करेक्ट होता है, पर यहाँ समझने का तरीका है कि भाई ये डेफिनेशन वाइज नहीं, ये मीनिंग वाइज है। मार्जिनल कॉस्ट वर्ड बोल रहा अगर 2400 है तो वो मीन कर रहा है वेरिएबल कॉस्ट। सेल प्राइस 3000, एस माइनस वी मिल गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 3000 माइनस 2400, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 600 रुपया। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है साहब कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो, तो बेटा 600 रुपया डिवाइडेड बाय सेल्स अपना 3000, इसको इनटू 100 कर लेना, ये हो जाएगा 20% ऑन सेल्स। अब बैक कैलकुलेशन भी चेक करो, 3000 का 20%, एक मिनट वेट करना, तीन हजार मेरा सेलिंग प्राइस है, 3000 मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो करेंगे 20% तो कंट्रीब्यूशन आएगा, तो 3000 इनटू 20% क्रॉस चेक कर लो 600 आ गया साहब। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो इस कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल सेल्स वैल्यू 3000 मल्टीप्लाइड बाय 20% कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल में आ गया 600 रुपया। तो इस तरह आप हर सेकेंड आप क्रॉस चेक करते जाना कि भाई जो आप कर रहे हो वो आपके लॉजिक में फिट हो रहा है। फिर आप देखना दो तीन सम्स के बाद आपको फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, आप इधर से उधर उधर से उधर सब कुछ लिंक कर पाओगे और आप सम्स जो है और फटाफट कर पाओगे। क्वेश्चन वन बोलता है कंप्यूट द पीवी रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। पहले हल्का सम से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस गिवन है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है पर यूनिट, तो इससे आप निकाल लोगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 18 माइनस 12 6 रुपया, और पीवी रेशियो हो जाएगा सी बाई एस यानी 6/18 1/3 ऑन सेल। अगर आप इसको इंटू 100 करेंगे साहब तो 1/3 बन जाएगा 33.3333 चार डेसिमल, जब भी डेसिमल लोगे बेटा चार डेसिमल परसेंटेज लोगे, तो 1/3 ज्यादा इजी है, तो जब फ्रैक्शन रखना हो तो फ्रैक्शन रख देना, डेसिमल बनाना हो डेसिमल बना देना, और जब परसेंट लेना हो तब परसेंट लेना, तो स्मार्ट रहिएगा। जैसी देखिए गंदा फिगर आ रहा है 33.332999 तो बेहतर होगा उसे फ्रैक्शन में छोड़ दो, सॉल्व आराम से हो जाएगा। सेकेंड सम टोटल सेल्स ऑफ 1000 पीस 60000 रुपया, 1000 का अगर 60000 है तो वेरिएबल कॉस्ट 1000 का कितना होगा 45 रुपया करके, 45 रुपया इंटू 60000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 45 रुपया करके, तो 1000 पीस का टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 45000। कंपैरिजन हमेशा बराबरी में होती है, जब सेल्स टोटल होगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल होगे, कंट्रीब्यूशन भी टोटल होगे, और पीवी रेशियो साहब सी बाई एस इंटू 100। हर बार फॉर्मूला लिख कर ही करना है, कोई और शॉर्टकट मत कर देना बेटा, मत कर देना। ये हो गया साहब 25%, तो पीवी रेशियो आपका क्वेश्चन वन का बी पार्ट का भी आ गया। नेक्स्ट, टोटल सेल्स 5,00,000, टोटल फिक्स कॉस्ट 1,00,000, कैपिटल इन्वेस्टेड 7,50,000, द प्रॉफिट डिजायर्ड इज 20% ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड यानी कैपिटल इन्वेस्टेड। थोड़ा सा घुमा दिया भाई,
तो भाई अगर मेरी प्रॉफिट 20% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड है तो 7.5 लाख का 20% मेरा मुनाफा होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड है 7.5 लाख इंटू कितना था 20%, 7.5 लाख का 20% यही हुआ ना, 1.5 लाख ये प्रॉफिट आ गया। अब डेटा को खाली सजाओ, एस दिया हुआ है, वी दिया हुआ है क्या? नहीं सर। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है क्या? हाँ सर, 1 लाख दिया हुआ है। तो आपको सेल्स दिया हुआ है कितना लाख? 5 लाख। ये नहीं पता, ये 1 लाख, और प्रॉफिट आपको पता है 1.5 लाख रुपया। तो इक्वेशन आपके पास है बेटा, यू नो दैट एस माइनस वी एफ प्लस पी होता है, ये दोनों प्लस कर देंगे तो 1 लाख और 1.5 लाख 2.5 लाख हो जाएगा। एस 5 लाख है तो वेरिएबल कॉस्ट आपका हो जाएगा साहब 2.5 लाख रुपया। सर वेरिएबल कॉस्ट निकाल क्यों रहे हो बेटा? नॉलेज के लिए निकाल रहे हैं, सम्स के लिए नहीं निकाल रहे। सम्स में तो पीवी रेशियो पूछा है, और पीवी रेशियो होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वो तो आ ही चुका है। पीवी रेशियो तो आ चुका है साहब 2.5 लाख / 5 लाख × 100 यानी कि 50%। बट आपका नॉलेज भी तो जरूरी है, तो आप हर चीज का सारा जो ऑब्जेक्टिव है अगर वो निकाल लोगे ना, तो फिर आपको सम्स इसके आगे इतना इजी लगने लगेगा। देन यू विल से सर मार्जिनल कॉस्टिंग नो डाउट इज अ वेरी इजी चैप्टर। नो डाउट इसमें थोड़े टफ सम्स आ रहे हैं, पर सर ज्यादातर चीजें समझ में आ रही है, एकदम मैनेजेबल है, एक दो थोड़ा सा देखने से हो जाएगा। तो यहां पर मैं अपनी आज की क्लास को रोकता हूं साहब, इतना पहले एब्जॉर्ब करो, एनालिसिस करो। विल कंडक्ट द क्लासेस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट डे से हम लोग आगे बढ़ेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और वगैरह समझाएंगे, एंड देन आपको ग्रेविटी बढ़ती जाएगी हर क्लास के साथ। याद रखिएगा, मार्जिन कॉस्टिंग की ग्रेविटी इंक्रीज होती जाएगी, हर क्लास कुछ नया लेकर आएगा, पर उस नए में ये अब पुराना रहेगा। ये एक घंटा डिस्कशन जो अपने हुआ है, ये अगले क्लास में 10 सेकेंड का फॉर्मूला, मे बी आधा मिनट का फॉर्मूला है। एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस पी, सी बाई एस रेशियो इज कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स पर यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। बस ये 3 पॉइंट एक ऐसे फॉर्मूला की तरह आना चाहिए। अब उसकी मीनिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास से आगे डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय, शबा खैर, फिर मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर बेटा।